नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ। सार्वजनिक भूमि पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है तथा सार्वजनिक बाजार की जमीन पर दबंग प्रधान व उनके गुर्गे अपनी दुकानें बना रहे हैं। सार्वजनिक हैंडपंप को अपनी बाउंड्री में घेर लिया गया है। सरकारी अस्पताल के नाम से चिन्हित भूमि पर दबंग प्रधान ने कब्जा जमा लिया है। विरोध करने पर ग्रामीणों को मारने पर उतारू हुए हैं। लालपुर बरेती जलालपुर के प्रधान हीरालाल, तहसीलदार के आदेश पर रोका गया है निर्माण कार्य। दबंग प्रधान पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी इतना ही नहीं, पहले बाजार की जमीन पर प्रधान व उनके गुर्गों ने कब्जा जमा रखा था। मकान प्रशासन जानते हुए भी बना रहा अनजान। आपको बताते चले कि ताज़ा मामला यूपी के सीतापुर तहसील लहरपुर के लालपुर बाजार का है, जहां बरेती गांव के हीरालाल दबंग प्रधान है, जो अपने दबंगई के चलते लालपुर बाजार में सार्वजनिक भूमि पर अपनी दुकानें बना रहे हैं, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों से गाली गलौज पर मारपीट पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, सरकारी हैंडपंप व सरकारी अस्पताल के लिए चिन्हित की गई जमीन पर प्रधान व उनके गुर्गों ने कब्जा कर अपने बाउंड्री वाल में अंदर कर लिया है। लालपुर बाजार की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। वहीं प्रधान व उनके गुर्गे अपनी दबंगई पर उतारू हैं, जिस पर गाँव वालों ने तहसीलदार को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। लेकिन प्रधान की दबंगई इस तरह से सर चढ़कर बोल रही है कि उसी लालपुर बाजार में पहले से सार्वजनिक भूमि पर प्रधान व उनके गुर्गों की दुकानें व मकान बने हुए हैं। यह बात प्रशासन जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। जहां सरकार सार्वजनिक भूमि जनता के हित के लिए उसे देती है, वहीं पर प्रधान व उनके गुर्गे कब्जा कर अपना घर बनाते हैं व दुकानें चलाते हैं। ऐसे दबंग लोगों पर योगी सरकार कब कार्रवाई करेगी? आखिर कब जनता को न्याय मिलेगा? इसका अभी तक जनता को इंतजार है। परसों में इसको कब्जा किया गया है। एक रमेश है और आसाराम, इन लोगों ने यहाँ बाजार में काफ़ी दूर से 40-50 किलोमीटर से लोग आते हैं पानी पीने के लिए, तो और कोई नई नल था, यही एक नल था, वो भी अंडरग्राउंड कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया। और बाजार में लगभग 30-40 दुकानों भी कल शाम को भरी गई हैं। आज भी निर्माण कर रहे थे लोग, एक अंकित नाम का व्यक्ति वो बहुत दबंग बताता है, वो मोटरसाइकिल चोरी में जेल भी कई बार गया है और अपने को बताता है हम सात भाई हैं, हमने पुराना हथियार रख दिया है, वो फिर से उठाना पड़ेगा।